अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं साचा वाला मिलियनेयर हूं। मैं आपके लिए वीडियोस इसलिए बनाता हूं कि मुझे आपको अमीर बनाना है, आपको मिलियनेयर बनाना है। एंड एक मिलियनेयर बनने का गारंटीड तरीका यह है कि आप एक ब्रांड के मालिक बन जाएं। अब ब्रांड होते क्या, एक वादा होता है कस्टमर के साथ कि मैं आपको एक चीज़ दे रहा हूं जो आपको उससे जितनी तवक्को है उससे मैं उतरूंगा। जितने आप पैसे दे रहे हो वो ऐसे महसूस होता है कि यार इट्स वर्थ इट। अब एक चीज़ 10 रुपये की हो, वो हो सकती है जी हमारी कोई चिकन, हो सकती है कोई अपना डेयरी मिल्क का चॉकलेट, यार ये 10 रुपये मैं इसमें देता हूँ तो यार वो 10 रुपये बनते हैं इनके। या 2-2.5-3 लाख का आईफोन का फ़ोन हो, जो देने वाला होता है उसको यकीन होता है कि इट इज़ वर्थ, वो जो 3 लाख मांग रहे हैं उसकी वाकई तन इतनी वैल्यू है। अब चूंकि हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आते हैं, हमारे यहाँ ब्रांड्स की बहुत किल्लत है, खासतौर पर जो हमारे यहाँ से निकलते हैं। तो टू लर्न अबाउट ब्रांड्स मैं आपको कहूँगा कि गो इंटरेक्ट विद ब्रांड्स जो इस मुल्क में आए हुए हैं, लाइक ग्लोरिया जीन्स, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, मैकडॉनल्ड्स, ये खाने पीने वाले बहुत ज़्यादा हैं, इनके साथ इंटरेक्ट करें। अब उसके इंटरेक्शन के 2 तरीके हैं, आप एज अ कस्टमर इंटरेक्ट कर सकते हैं या एज एन एम्प्लॉई, वहाँ पे अंदर घुस के आप देख सकते हो कि इनका सिस्टम कैसे चलता है, या जस्ट फ्रॉम द आउटसाइड खड़े होकर कि यार जो मैं इन पे जो तो आपको रखता हूँ आधे लैंडिंग ऑन दैट। और मुझे समझ आया कि जब भी ब्रांड की बात की जाए तो हम इमीडिएटली सोचते हैं कि महंगा होगा। यस, महंगा होता है, होना भी चाहिए, एंड उसकी मैं उस पर तफसीलन बात करूँगा कि वाई आप भी जब अपना ब्रांड बनाओगे कीमत को आपने जहन में रखना। देन बिफोर कि मैं आपको समझाऊं पूरी फहरिस्त आपके साथ शेयर करूं कि वो पॉइंट्स के यार अपना ब्रांड कैसे बनाते हैं, कामयाब ब्रांड कैसे बनाते हैं, चाइना की आपको दिलवा दूं याद कि 50 इयर्स अगो उन्होंने अपने दरवाजे खोले थे फॉर द होल वर्ल्ड टू कम कि आओ हमारे मुल्क में आओ, ब्रांड्स बनाओ, ब्रांड्स अपने हमसे पैसा कमाओ और हम उनके लिए चीज़ें बनाते हैं। दे डिड दैट। आज वही कंपनियाँ इतनी तगड़ी हो चुकी हैं उनसे सीख के, उनके ब्रांड्स जिन ग्राहकों के लिए बनाते थे उनसे बेहतर हो चुके हैं अपने प्रोडक्ट्स। देयर वाज अ टाइम जब हम चाइना से ले यार ये चाइनी चीज़ आया रहने यार, यानी मारा करके चाइना बोलते थे, आज चाइना इज़ अ फॉर्मिडेबल फोर्स, दुनिया की सबसे अमीर तरीन कंट्री बन चुकी है, दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री बन चुकी है। क्यों? ब्रांड्स की बदौलत, मैन्युफैक्चरिंग की बदौलत, बनाने की बदौलत। तो सबसे पहली चीज़ आपने जो करनी है, यू हैव टू चूज अ नीश। नीश यार मेरा प्रोडक्ट किस चीज़, किस मसले को, किस बंदे को सूट करता है, व्हाट प्रॉब्लम आम आई सॉल्विंग, कौन बंदा इसको खरीदेगा, एंड सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। एंड द सेकंड थिंग इज कि इसका मकसद क्या, व्हाट इज़, यानी अगर एक ब्रांड का मकसद ना हो तो वो बहुत जल्दी मौत एक मारी सी मर जाता है। गूगल की अगर हम मिशन स्टेटमेंट देखें तो वो ये है कि मैंने पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके आपके सामने पेश कर दी है। अगर आज़ाद चाय वाले की देखें तो आज़ाद चाय वाला कहता है कि मैंने ना 1 मिलियनर्स डॉलर वाले पाकिस्तान में बनाने हैं, और लेटली आज़ाद चाय वाले की थोड़ी एडिशन ये हो गई है कि 20 मिलियन यानी 200 लाख बच्चे मैंने ऐसे तैयार करने पाकिस्तान में जो यानी फ़ौरन से 16,000 रुपये कमा के लें या $100 कमा के लें। ओके, बट ऑब्वियसली एज टाइम गोज बाय जैसे ही मैं अपने एक टारगेट को हिट करता हूँ मेरी मिशन बदल जाती है। एंड उससे क्या होता है कि गूगल की तो चलो इतनी वो ब्रांड फॉलोइंग नहीं है, लेकिन सब यकीन रखते हैं कि अगर मुझे कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई मुझे सामने मेरा सगा भी बता रहा है तो गूगल इसको वेरीफाई करेगा कि वाकई ये सच बता रहा है कि नहीं, इतना यकीन हो गया हमारा। और रजा चाहिए ये बात है कि यार ये बंदा हमसे फीस तो नहीं ले रहा, जो इसने वादा किया था हमसे वो तो पूरा कर रहा है, दरादार वीडियोज़ निकाल रहा है, हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, रसाई दे रहा है टू एक्चुअल एजुकेशन, एंड ही इज़ गेटिंग टू दैट गोल। ये तो जो वादा किया था पूरा कर रहा है, सो People follow me. 10 लाख से ज़्यादा लोग मुझे फॉलो करते हैं YouTube, 10 लाख से ज़्यादा लोग मुझे फॉलो करते हैं Facebook एंड वगैरह वगैरह अदर प्लेटफॉर्म। सो यू मस्ट हैव अ मिशन, वो मिशन नहीं होगी आपकी तो आप मर जाएंगे। द थर्ड थिंग वुड बी के क्वालिटी, जो वादा आपने किया उस पर उतरना है, और दैट वादा कुड बी एक तगड़ी सी चाय का कप दूंगा आपको। ग्लोरिया जीन्स है ना, 300, 400, 500, 700 तक वो दे विल सेल यू अ कप ऑफ कॉफ़ी, चाय, कोई भी हॉट ड्रिंक। लेकिन अगर आपको हॉट ड्रिंक ही पीना है तो यार आप किसी भी गली में घुस जाओ तो आपको 30 रुपये की चाय भी मिल जाती है। बट दोज आर ब्रांड्स वर्सेस आम सा बिजनेस। आम से बिजनेस से आगे जो निकलता है सबक वही है चौथा, कि आम सा बिजनेस जो है ना एक सिस्टम के तहत नहीं चलता, ठीक है, उसके पास प्रोटोकॉल्स नहीं होते, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक ब्रांच ही रन करते हैं। एंड कंपेयर टू अ ब्रांड, अगर आप दुनिया जहाँ में चले जाओ आपका जो मैकडॉनल्ड का बर्गर है ना वैसे ही टेस्ट करता है दुबई में, वैसे ही टेस्ट करता है रशिया में, वैसे ही टेस्ट करता है यूके में, वैसे ही टेस्ट करता है इन पाकिस्तान। उनके पास एक कंसिस्टेंसी होती है, उनके पास एक स्टैंडर्डाइजेशन होती है, आपको अपने प्रोडक्ट में स्टैंडर्डाइजेशन डालनी है। आपका जो सबसे पहला कस्टमर आता है सुबह उसको भी वही जायका मिले, उसको भी वही सर्विस स्टैंडर्ड मिले जो आपने दोपहर को देनी है या शाम को किसी को देनी है। फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट वही सर्विस एट एवरी वन ऑफ योर ब्रांचेस। क्योंकि अक्सर क्या होता है जो ब्रांड्स होते हैं वो एक से ज्यादा जगह पे होते हैं, दे आर इन मोर देन वन प्लेसेस। आज़ाद चाय वाला टिकटॉक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है, स्नैक पे भी है, यूट्यूब पे भी है, हर जगह पे है। मैकडॉनल्ड्स हर मुल्क में है, हर शहर में है, कई तो एक एक मुल्क में क्या होता है कि गली में भी होता है, बिकॉज दे वॉन्ट दैट ब्रांड टू रीच एज मैनी पीपल एज पॉसिबल। समझिए, द नेक्स्ट पॉइंट वुड भी हर बंदे के सामने आपने होना है, एंड उसके लिए मार्केटिंग का बजट आपको चाहिए। सो दे से कि एक ब्रांड तब तक ब्रांड नहीं बनता जब तक उस एक बंदे ने उसको 7 बार देख लिया ना हो, 7 बार उसके साथ उसकी इंटरेक्टिविटी ना हुई हो, उसके जहन में वो ब्रांड ब्रांड के तौर पर बैठता नहीं। एंड टू डू दैट प्राइसिंग आ जाती है। प्राइसिंग यू मस्ट ऑलवेज चार्ज मोर, आपको हमेशा ज़्यादा चार्ज करना पड़ता है, मार्जिन ठीक ठाक रखना पड़ता है। अगर आप अपनी कीमतें कम करेंगे तो पीपल लोग आपको सीरियस नहीं लेंगे।
सीरियस लेना एक बात है, आपके पास फालतू पैसा नहीं होगा टू पे योर टीम वेल, आपके पास फालतू पैसा नहीं होगा टू स्पेंड ऑन मार्केटिंग, ठीक है, आपके पास फालतू पैसा नहीं होगा टू कीप अ वेरी हाई स्टैंडर्ड। जे डॉट को ले लो, जे डॉट ने क्या किया जी, डिफाइन कर दिया जी हमने मिडिल क्लास अपर क्लास को अपने प्रोडक्ट्स देने हैं। आप किसी भी दुकान में चले जाओ, दुबई हो, यूके हो, पाकिस्तान हो, आपको उसी स्टैंडर्ड का कपड़ा मिलेगा, उसी स्टैंडर्ड की सिलाई मिलेगी, रंगत, डिजाइन, एवरीथिंग इज स्टैंडर्डाइज्ड। कुछ लोग कहेंगे महंगी मिलती है, बट यू नो वो लोग वो होंगे दैट मे बी उनके लिए वाकई तक ये महंगी चीज़ है। सलवार कमीज़ बाजार में आप 1700-1500 की भी बना सकते हैं, ठीक है, येस इट्स पॉसिबल, खुला तोला हुआ कपड़ा बंदा ले सकता है, 500 किसी को सिलाई दे सकता है, अपनी मर्जी का डिज़ाइन बना सकता है, बट दैट इज़ नॉट अ ब्रांड, उसको बंदा याद नहीं रखता। ब्रांड वो है जो ये लोग 4000 लगा के 5000 लगा के एक जोड़ा बेचते हैं, एंड जब इनकी सेल लगती है दुकानें बड़ी हुई होती हैं, और सेल में भी यार ज़्यादा से ज़्यादा ये 3000 का जोड़ा कर देते हैं, ठीक है। सो यू आर बिल्डिंग अ ब्रांड हियर, ब्रांड को हमेशा तगड़ी प्राइसिंग रखनी होती है, ताकि कल को यार अगर सप्लाई में कोई गड़बड़ आ जाती है, ऊंच नीच हो जाती है, इनके पास कुवत होती है ज़्यादा माल खरीदने की, ज़्यादा कीमत अदा करने की, अपनी कीमत हमेशा बराबर रख सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि कल को हमारी कीमतें क्या होंगी, एंड दे हैव द बाइंग पावर। और प्लस यार पैसा कमाना किसको अच्छा नहीं लगता, यू आर नॉट अ चैरिटी, यू आर अ बिजनेस, ठीक है, आप एक बिजनेस हो, आपने खुला उसमें पैसा कमाना है। मैं अपनी मिसाल आपको दे देता हूँ, अपना बजा मैंने आपको कहा ना 1000 बार, कभी कभार बजाना पड़ता है। मैंने जब अपनी कोर्सेज शुरू की तो आई वेंट फ्रॉम फ्री टू फिर 1000-2000 का थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया, एंड फिर डायरेक्टली टू 40,000। वो कोर्सेज जो पहले फ्री थी किसी ने नहीं पढ़ी, किसी ने नहीं चखी, कोई कदर नहीं किसी को हुई, 40,000 की हुई तो क्लासें मेरी बड़ी बड़ी आ गई, राइट। एक इंस्टीट्यूट 22-23 फ्री इंस्टीट्यूट से बाहर हो गया, बिकॉज अब कदर हो गई है, यार अगर ये 40,000 चार्ज कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये चीज़ और ज़बरदस्त होगी। फिर मैंने जब सेल लगाई, मैंने कहा यार मैंने 1,000,000 मुझे लोग फॉलो करते हैं, 1,000,000 पे मैंने हिट किया है, तो मैं इसकी खुशी में 16,000 की वो सारी कोर्सेज कर देता हूँ, 70%-60% डिस्काउंट दे देता हूँ। वो दिया तो भाई फ़ोन नीचे नहीं रखने हो रहा, टलियाँ बजती जा रही हैं, दाखिले दरादर के फ़ोन पे ना बस बार बार आ रही है जी, एक और दाखिला हुआ, एक और दाखिला हुआ, क्यों? अब मैंने अपने ब्रांड को एस्टैब्लिश कर दिया, सबको पता है कि ये 40,000 की चीज़ है, वाकई तन 40,000 की है जो ये क्या कहते हैं दे रहे हैं, अब 16 में मिल रही है, तो इट्स तबाही अंत। मेरे मुकाबले में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो 5,000-4,000 क्या कहते हैं 10,000 पे ना वो समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा मार्का मार दिया, बट नोबडी नोज दोस्त। 1,000 चाय वाला इंस्टीट्यूट को 1,000 गालियाँ रोज़ मिलती हैं, 1,000,000 दुआएं मिलती हैं रोज़, ओके। सो यू हैव टू हैव अ ब्रांड, और ये ब्रांड आपके सामने बनाए इसलिए इसकी मिसाल दे रहा हूँ, बाकी ब्रांड्स का मुझे अंदर की कहानी नहीं पता, बट रिमेंबर ये ब्रांड खड़े करने जा रहे हैं, और ब्रांड तगड़ी चीज़ होती है, आप एक वादा कर रहे हो, उस वादे को पूरा करने के लिए यू नीड टू हैव ऑटोमेटेड सिस्टम्स, एंड मैंने आपको कहा ना ये स्टैंडर्डाइजेशन डालनी पड़ती है। हर मुल्क में अगर मैकडॉनल्ड्स एक ही लेवल का बर्गर दे रहा है तो दैट हैज़ इमेंस कॉस्ट, ठीक है, बर्गर 250 का भी मिल जाता है उसी मुकाबले में, शायद मैकडॉनल्ड से बेहतर, लेकिन मैकडॉनल्ड में नहीं मिलेगा आपको, मैकडॉनल्ड फिर भी आपको एक मील 850 रुपये की देगी, और वहाँ पर भी लाइनें इतनी इतनी बड़ी होंगी जितनी कि वो 250-150-170 रुपये वाले बर्गर के पास कभी नहीं होती। ब्रांड हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। सो आखिरी चंद चीज़ें अगर रह गई हैं तो वो ये हैं कि जब आप ब्रांड बनाते हो किसी फील्ड में आप ब्रांड बना सकते हो। अगर बर्गर्स में हम देखें तो यार हज़ारों बर्गर की दुकानें, लेकिन हमारे अगर जहन में आएगी तो यार आएगी जी मैकडॉनल्ड्स आएगा, ओपीटीपी हो गया, बर्गर लैब हो गया। अगर पिज्जा के उठा ले तो हर बड़े छोटे शहर की मेन जो शहर होती है उसमें कितने गुमनाम पिज्जा पार्लर्स होते हैं, पिज्जा बेचने वाली दुकानें होती हैं, लेकिन हमें याद कौन से हैं? सिर्फ डोमिनोज एंड पिज्जा हट, क्योंकि इन्होंने अपने आप को एक ब्रांड बना दिया, ओपीटीपी भी ऑफकोर्स उसके साथ। सो अपने आप को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट रखिएगा, अपनी मार्केटिंग पे खर्चते रहिएगा। कोक आज भी खर्चता है पैसे, ये नहीं है कि किसी को नहीं पता कि कोक क्या है, पेप्सी ऐसे करती है, एवरीबडी नोज इन द होल वर्ल्ड के पेप्सी क्या है, लेकिन फिर भी वो आज पैसे खर्चते हैं। दुबई कितनी कामयाब कंट्री है दुनिया भर को पता है, लेकिन आज भी दुबई का जो मार्केटिंग बजट है ना वो पता नहीं कितने 100 मिलियंस में जाता है, ताकि हर बंदे को याद दिलवाएं कि वी आर समथिंग। इसलिए आपको कहा है कि राइट फ्रॉम बिगिनिंग टू चार्ज अ रियली डिसेंट प्राइस, जरूरी नहीं है कि आपने सबको बेचना, आपने सिर्फ एक मखसूस तबके को बेचना है जिसकी जरूरत है, उसका मसला हल करना है। दे विल फॉलो यू ऑन अ जर्नी, मेरा साथ क्यों लोग देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार ये एक मिशन पे है। देयर आर पीपल जो यार लड़ाई हो जाए ना अंदर घुस के मेरे साथ साथ देंगे, लड़ेंगे मेरे साथ, मैं उनका कोई रिश्तेदार नहीं लगता, बड़ा भाई लगता हूँ, और मैंने क्योंकि उनको रास्ता दिखाया है कामयाबी का, ठीक है। सो पीपल लव ए जर्नी, इलॉन मस्क के इतने शदाई हैं दुनिया में, उसने अपने आप को इतना तगड़ा ब्रांड बना दिया कि अगर वो प्रोडक्ट लॉन्च करे ना, ठीक है, तो अभी घंटा भी नहीं होता तो सारे के सारे बिक जाते हैं। उसने एक फ्लेम थ्रोअर निकाला था, आई थिंक 10,000 पीसेस उसने निकाले थे, वो प्री यानी सेल में ही ना सारा कुछ बिक गया। उसकी गाड़ी अभी बनी नहीं है तो 100 मिलियन प्लस के ऑर्डर्स बने हुए हैं बिकॉज इट्स इलॉन मस्क। और मेरे पास ना आईफोन 12 मैक्स प्रो फलाना फलाना टिंगा है, लेकिन मैं इस चीज़ का मुंतजर हूँ, टेस्ला का जो फ़ोन निकलेगा एंड द डेट कम्स मैं खरीदूंगा, क्योंकि आई फाइंड के वो एक कीमती वैल्यूबल चीज़ बनाएंगे, और ये शायद 2.5 लाख का था वो 3 लाख का भी हुआ, आई विल स्टिल बाय इट, क्योंकि वो मुझे वैल्यू फॉर मनी लगता है, बना भी नहीं है, ठीक है। सो दैट्स द पावर ऑफ अ ब्रांड, अल्लाह करे आपका ब्रांड तगड़ा हो जाए। एंड एक लास्ट टिप आपको दूंगा, अगर आपका प्रोडक्ट अभी ब्रांड नहीं है, इन ऑर्डर टू मेक इट अ ब्रांड, सोशल मीडिया पे आओ और बोलो ये मैं ब्रांड बनाने वाला हूँ, और आवाम को ना कहानी सुनाना शुरू कर दो, ये देखो मैं फलां फलां गली शालमी में घूम रहा हूँ, राजा बाजार में घूम रहा हूँ, ये चीज़ मैं ढूंढ रहा हूँ, ये कपड़ा मैं ढूंढ रहा हूँ, एंड टेक देम ऑन दैट जर्नी, उस सफ़र पे उनको साथ लेके जाओ, सोशल मीडिया के जरिए, अपने फ़ोन के जरिए, हर प्लेटफॉर्म पे ये अपडेट्स दो। ट्रस्ट मी, जिस दिन आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया, ये लोग सिर्फ आप पे तरस नहीं, आपको सपोर्ट करने के लिए आपका प्रोडक्ट खरीद लेंगे।
कोई बहाना ढूंढ लेंगे, उनकी जरूरत भी ना हुई तो कोई बहाना ढूंढ लेंगे कि यार ये मैं अपने लिए नहीं किसी और के लिए खरीद लेता हूँ जिसको ये प्रोडक्ट पसंद आएगा। ठीक है, सो दैट्स द पावर ऑफ अ ब्रांड। ब्रांड योर सेल्फ, अपने को ब्रांड करो। आज़ाद भाई ने आज़ाद चाय वाला खुद ब्रांड किया तो आज मेरे लिए बहुत सारे दरवाजे खुल रहे हैं। ठीक है, आज मैं जो भी प्रोडक्ट अगर कमर्शियली लॉन्च करने जाऊँ इट वुड बी अ सक्सेस इंशाल्लाह। मैं करने नहीं जा रहा बट वैसे आपको कह रहा हूँ बिकॉज उसके पीछे आज़ाद चाय वाला। ठीक है, जब मेरे पास 2 बिलियन यूजर थे नोबडी न्यू, मेरे पास अभी चंद बिलियन ही है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।